रिटर्न्स आए और इतना पैसा पैसा मैं बना पाया और इस तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरा रिस्क भी कितना कम है ठीक है और मेरी लिक्विडिटी मेरे पास कितनी हाई है वो सारी चीजें क्या कहते हैं आप समझा सकते हैं और उसके हिसाब से आई थिंक एक तो ये है कि अपना ही एग्जाम्पल क्योंकि उनको समझ आएगा कि आपका एग्जाम्पल ठीक है दूसरा इफ़ यू कैन मतलब कन्विंस हिम टू एटलीस्ट टॉक टू पीपल लाइक अस लाइक एडवाइजर्स के साथ तो वो भी एक ऑप्शन है कि एक अच्छा एडवाइजर से उनसे एक मीटिंग करवा दीजिए तो सेशन करवा दीजिए एटलीस्ट उनके जो भी उनके दिमाग में है तो आ, कोई चीज़ है उनके दिमाग में आ, तो आई थिंक दैट पर्सन बिकॉज थोड़ा सा थर्ड पार्टी क्योंकि कोई घर की मुर्गी दाल बराबर बोला जाता है ना तो वही है कि अपने बच्चे से टिपिकली मतलब मेरे भी पेरेंट्स में मतलब आई एम टेलिंग यू की तीन चार साल तक कभी भी इन्वेस्ट मैंने स्टार्ट किया मतलब ये सारी चीज तो तीन चार साल तक नहीं इन्वेस्ट किया उन्होंने उसके बाद दे गॉट लिटिल कन्विंस की ठीक है ये कर रहा है और इस अपना भी पोर्टफोलियो इंप्रूव कर रहा है चीजें कर रहा है तो इसका मतलब ठीक ही कर रहा है जबकि आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम थाउंड टू से कर रहा हूँ लेकिन उन्होंने 2018-19 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो वो सारी चीजें वो रहता है कि आप समझाएंगे तो शायद वो इतना ज्यादा उसको सीरियसली नहीं ले बट एक समवन एल्स उनको लगता है कि ये एडवाइजर है और ये कि थर्ड पर्सन सेस तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं और थर्ड वे इज कि गिव डेटा लाइक मेरा अगर आप नॉलेज सेक्शंस हमारे टिपिकली मॉर्निंग में मॉर्निंग यूज करता हूँ तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्निपेट्स देता हूँ मैं मार्केट के या सब चीज़ों के तो उसके अगर आप वो देखते हैं या बेस्ट ऑफ नॉलेज सेक्शन में हमारा एक सीरीज चल रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे तो लॉट ऑफ डेटा यू विल गेट इंटरेस्टिंग डेटा विच यू कैन शो हिम Maybe he will understand things. So that is how your thought is.